तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा सबूत जरूर छोड़ जाता है जिससे वो सलाखों के पीछे चला जाए। गुहाना में भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल बड़ौदा के बुटाना पुलिस चौकी के दो पुलिसकर्मियों की सोमवार को गश्त के दौरान हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन एक मृतक पुलिसकर्मी की बहादुरी से अब पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई है। दरअसल एक मृतक पुलिसकर्मी ने अपने हाथ पर आरोपियों की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, जिसके बाद पुलिस के हाथ आरोपियों के गले तक पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें गोहाना की हैं। आपको बता दें ये आरोपी वही है जिसका इस खबर में जिक्र हो रहा है। इसमें क्या नाम लिखा हुआ था गाड़ी का? ये गाड़ी चालक है क्या? ये गाड़ी मालिक है। गाड़ी का नंबर किसके हाथ पे लिखा हुआ था? गाड़ी का नंबर हमारा सिपाही रविंदर, उसके बाएं हाथ पर गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था। तभी से ये खुलासा हो पाया? उस नंबर के कारण इसका खुलासा हुआ, उसी के तफ्तीश उसके आधार पर हम आगे बढ़े। कहीं ना कहीं शहीद रविंदर ने अपना काम मरते हुए भी नहीं। शहीद रविंदर की हमारा जवान सिपाही रहा है, उसके बारे में इस बारे में जितनी प्रशंसा की जाए जितनी की वही शब्द हमारे पास कम। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राम सिंह मार जुड़ चुके हैं। राम, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी ने मरते मरते भी अपनी ड्यूटी निभाई है, हत्यारे का पता दे गया पुलिसकर्मी। देखिए पूजा, लगातार जैसे हत्या जैसी वारदातें हैं गोहाना क्षेत्र में बढ़ रही हैं, लेकिन दो दिन पहले जो ये वारदात हुई है कि तो पुलिस कर्मियों को जो हत्या कर दी गई है, इसकी वजह से पूरा प्रदेश जो है वो दहला हुआ है, क्योंकि पुलिस से जो सुरक्षा सेवा के लिए जारी जाती है, वही अगर उसका इसी प्रकार से उसकी हत्या हो जाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं समाज में बढ़ावा दे रही हैं। और लेकिन यहाँ पुलिस की बात की जा रही है, पुलिस से जो मरते दम पर एक जो गाड़ी का नंबर है वो अपने हथेली पर लिख कर गया है, और जिसकी वजह से वो बहुत कारगर भी साबित हुआ, जिसकी वजह से उनको पकड़ने में काफी कामयाबी मिली है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी सफलता मिली है। जी जी राम, आरोपी को पकड़ लिया गया है, सबूत पुलिस के हाथ में है, अब आगे कार्रवाई क्या सुनिश्चित हुई है अभी? देखिए एक आरोपी का जो यहाँ पर जो संदीप नाम का जो है उसको गिरफ्तार किया गया, 7 दिन के रिमांड पर अभी लिया गया है, और वही अमित जो है एनकाउंटर में ढेर भी हो गया है। वही जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं बदन सिंह, उसका कहना है कि यहाँ पर जो लगातार इस प्रकार की जो वारदातें हैं बढ़ जरूर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी ने एक अपनी जो ड्यूटी जो निभाई है वो ड्यूटी इस प्रकार से निभाई है कि आरोपियों का जो गाड़ी का नंबर था वो अपनी हथेली पे रखा गया है, और जिसकी वजह से पुलिस ने 15 घंटे में जो ये गुत्थी है ये सुलझा ली है। शातिर बदमाश थे, और जो अमित था इसके ऊपर करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो केस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। राम सिंह मार गुहाना से हमारे संवाददाता जुड़े, जिन्होंने बताया किस तरीके से पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, और प्रशासन को अब कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि खाकी ही इंसाफ देने वाली है और खाकी ही इंसाफ की गुहार भी लगा रही है। तो आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। दूसरे आरोपियों की जो धरपकड़ है वो भी पुलिस की तरफ से जारी है। गिरफ्त में है पुलिसकर्मियों के यह हत्यारा। आपको बता दें कि हाल ही में दो पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनमें से एक पुलिसकर्मी ने अपनी हथेली में इस आरोपी की गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, जिसके बाद पुलिस को मौजूदा गाड़ी के साक्ष्य मिले और इस आरोपी को पकड़ा गया है। फिलहाल जो दूसरे आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जारी है पुलिस की तरफ से, और ये आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहा है, इसको 7 दिन की पुलिस रिमांड में रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी ताकि और भी खुलासे हो सकें। तो बेहद अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं, क्योंकि गुहाना के अंदर जिस तरीके से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, अपराधी बेकाबू हो रहे थे, ऐसे में ये बड़ी सफलता है प्रशासन के लिए, लेकिन मदद भी खाकी ने ही की है। खाकी की
और इत्तेफाक ये कि खाकी ही इंसाफ मांग रही है और इंसाफ देने वाली भी खाकी ही है। तो गोहाना से इस वक्त की बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल दूसरे आरोपियों की धरपकड़ पुलिस की तरफ से की जा रही है, वो कितने समय तक हो पाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि दो पुलिस कर्मियों की यहां पर हत्या की गई है आपको बता दें, और ये पुलिस कर्मियों का जो हत्यारा है उनमें से एक हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, इसको 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब इस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी आरोपी से, और तमाम जानकारी जुटाने की कोशिशें भी होंगी। तो ये गोहाना से अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी का जो हत्यारा है पुलिसकर्मियों का, तो बदन सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एसएचओ हैं आप। बदन सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू। बदन सिंह जी, एक आरोपी तो पकड़ में आ गया है, बाकी आरोपियों की जो धरपकड़ चल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो कब तक जो है गिरफ्त में आ जाएंगे, इस बात की कोई आप टाइमलाइन डिसाइड करना चाहेंगे? हाँ, रात के टाइम में संदीप एक आरोपी को अरेस्ट किया है जी, और आज इसको कोर्ट में पेश करके हमने इसको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है जी। वो अन्य आरोपियों की तलाश के लिए इस समय मैं जींद में हूँ जी। बदन सिंह जी, क्या ये मामला पता चल पाया है कि अभी तक की किस वजह से इन पुलिसकर्मियों की हत्या की गई? हाँ, ये लोग रोड के साथ गाड़ी खड़ी करके शराब पी रहे थे, और अभी तक मालूम हुआ है 2 लड़कियां भी थी इनके साथ जी, तो वहाँ अचानक के मुलाजिमों के पहुँचने पर झड़प हुई है जी, घटना को अंजाम दिया गया जी। फिलहाल बदन सिंह जी, जो पुलिसकर्मी थे जिनकी हत्या की गई, उन्होंने बहुत ही साहस दिखाया, हथेली पे अपने नंबर वो नोट करके गए, जिसकी वजह से पुलिस को कहीं ना कहीं अब सहयोग भी मिल पा रहा है, बहुत तेजी से वो आरोपियों को पकड़ पा रहे हैं। लेकिन जो दो आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनके लिए कोई टाइम लाइन आप डिसाइड करना चाहेंगे, कोई टाइम आप डिसाइड करना चाहेंगे जनता टीवी पर कि कब तक उनको पकड़ लिया जाएगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई, कितनी सख्त कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ सुनिश्चित होगी? रविंदर इसने अपने अंतिम समय में भी अपनी पूरी ड्यूटी तत्परता से निभा कर गया है जी, और अपने हाथ पर उस गाड़ी का नंबर लिख दिया है जी, जिसके आधार पर हमारी तफ्तीश आगे चली है और हमें सफलता मिली है जी। और बाकी आरोपियों की तलाश के लिए हम बहुत ही हमारी अलग अलग टीम लगी हुई है, और जल्दी ही पकड़ लेंगे जी। बदन सिंह जी, न्यायिक प्रक्रिया आगे सुनिश्चित होगी, क्या कार्रवाई, लेकिन क्या कोशिश रहेगी आप लोगों की तरफ से कि कितनी सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए? हमारी तरफ से पूरी शक्ति रहेगी, और हमारा प्रयास रहेगा न्याय प्रणाली के साथ इनको सख्त से सजा दिलवाने का प्रयास रहेगा हमारा जी। बदन सिंह जी, लगातार गोहाना के अगर हम बात कर लें, गोहाना में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, बड़ौदा क्षेत्र में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से और क्या शक्ति बरती जाएगी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, ये भी दर्शकों के साथ साझा कर लें। हाँ, इसके लिए हम अधिकारियों से बात हुई है, और पेट्रोलिंग वगैरह इस प्रक्रिया हम तेज करेंगे इस पर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बदन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो बदन सिंह जी हमारे साथ में जुड़े, एसएचओ हैं बड़ौदा थाना के बदन सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिंद में इस समय ये मौजूद हैं, आरोपियों की तलाश चल रही है। राम सिंह मार हमारे संवाददाता गोहाना से लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राम, बदन सिंह जी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन अगर हम आपराधिक घटनाओं की बात करें गोहाना क्षेत्र के अंदर, तो ग्राउंड जीरो पर आप क्या पाते हैं, किस वजह से दो पुलिसकर्मी जो है बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी, और उसके बावजूद अगर वो पुलिसकर्मी मान लीजिए अपनी हथेली पर नंबर छोड़ के ना जाते तो बहुत मुश्किल हो सकती थी, और इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई बदमाशों की, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है। हाँ देखिए पूजा, इस प्रकार बदमाशों के हौसले जो गोहाना में है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और हालात ग्राउंड रिवो की बात करें तो यहाँ पर लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोहाना जो क्षेत्र है, आए दिन यहाँ पर जो वारदात है, इस प्रकार की हत्या लूट डकैती के मामले हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कुछ ना कुछ परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है।
और सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है वो ये खड़ा होता है कि हालांकि पुलिस प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ काम जरूर कर रहा है, लेकिन जो बदमाशों के हौसले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ताजा जो घटना अभी जो दहलाने वाली है, जो पुलिसकर्मी सेवा सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं उन्हीं पर इस प्रकार का वार होना काफी शर्मनाक है। और हालांकि पुलिस प्रशासन ने 15 घंटे के अंदर ही इस गुत्थी को सुलझा लिया है, और लेकिन जहां आप बात कर रहे हैं कि अगर पुलिसकर्मी अपने हाथ पर गाड़ी का नंबर अगर लिख के नहीं जाता तो शायद ये गुत्थी सुलझने में काफी टाइम लग जाता और आरोपी बच निकल जाते और क्या पता कितना टाइम इसको सुलझाने में लग जाता। लेकिन अगर ग्राफ की अगर बात करें जो क्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पर क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सोनीपत से लेकर पूरा गोहाना और अन्य जो क्षेत्र है यहाँ पर क्राइम की जो घटनाएं हैं अंकुश लगाने का लगातार प्रयास जो यहाँ के प्रशासन का है वो लगातार रहा है। लेकिन राम समय कम है, बहुत ब्रीफ में आप बता दें, बदन सिंह जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने 2 लड़कियों के साथ में होने का जिक्र किया है, क्या पुलिस की तरफ से उनको भी बातचीत के लिए बुलाया गया है, पूछताछ उनसे भी चल रही है, क्या कुछ था ये पूरा मामला, वो चश्मदीद गवाह बनने को तैयार हो, किस तरीके की बातचीत अभी सामने आ रही है? देखिए अभी फिलहाल जो पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन में है, क्योंकि पुलिस से पूरी जानकारी जब तक उनके पास नहीं पहुंचती तब तक वो कोई भी चीजें ओपन करने के लिए अभी मूड में नहीं है। फिलहाल ये सूचना जरूर है कि इस पूरी वारदात में महिला भी शामिल थी और महिलाओं से भी इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आखिर किन वजह से चलते ये हत्या की गई है, पूरा का पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है, अभी भी कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो मामले जो बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं गोहाना में क्राइम का ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राम, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए।